दोस्तों, आज जो कॉमिक्स हम पढ़े हैं उसका नाम है खून के छींटे। ये राज कॉमिक्स वालों की हॉरर स्टोरी है, तो पढ़ते हैं इसको। खून के छींटे। पाटेकर, इंदर, पल्लवी, कंचन जोशी, पांचों दोस्त जिन्होंने जिन्होंने अपनी जिंदगी को एडवेंचर बना डाला है, इस समय एक समारोह स्थल पर आकर्षण का केंद्र थे। नंदा देवी पर्वतारोही दल सम्मान समारोह। किंतु समारोह आरंभ होने में भी कुछ देर थी, कारण मंत्री जी की प्रतीक्षा। न जाने मंत्री जी कब तक आ पाएंगे, शायद किसी आवश्यक कार्य में फंस गए हों। तभी अंटेरिया जंगल, एक रहस्य अनेक, लेखक रोजर सुमी, इम्पॉसिबल। क्या हुआ कंचन, यह पढ़ो पाठेकर, क्या बेहुदा बकवास लिखी है, तुम खुद ही पढ़कर सुना दो। हाँ, कुछ समय भी व्यतीत हो जाएगा। अंटेरिया के जंगलों में रहस्यों का खजाना, जिनमें से एक नरभक्षी संगीत, जिसे सुनकर आप अपने आप को नाचने से नहीं रोक सकेंगे। ऐसी बेले जो नरभक्षी मानव बन जाते हैं, ऐसे मानव जो खून पीने वाली बेलों में परिवर्तित हो जाते हैं। बकवास, कोरी कल्पना, सिर्फ कहानी। इसी क्षण मंत्री जी के आगमन के हलचल दिखाई दी। ओह, मंत्री जी आ गए। तब पर्वतारोही दल सम्मान के प्रतीक के रूप में एक गोल्डन ट्रॉफी उनकी कामयाबी पर उन पांचों को दी गई। और फिर 10 दिनों पश्चात वे एक रेस्टोरेंट में मिले। ओ पाटेकर, कोई नया एडवेंचर सोचो, खाली बैठे बैठे तो मैं बोर हो गई हूँ। अब तो नंदा देवी की थकान भी उतर चुकी है और काले जादू की 6 किताबों की कड़िया मैं भी पढ़ चुका हूँ। मेरे पास एक राय है, जल्दी कहो। अंटेरिया का जंगल, तुम्हारा मतलब है कंचन, नरभक्षी संगीत, खून पीने वाली बेले, नरभक्षी मानव? यस पाटेकर, इन 10 दिनों में मैंने इस किताब पर काफी भागदौड़ की है। जूलॉजी के विख्यात विशेषज्ञ प्रोफेसर पालवणकर से मिली हूँ। सर, क्या आप नरभक्षी पेड़ों के रहस्य के विषय में कुछ बता सकते हैं? अवश्य। ऐसे वृक्ष अफ्रीका में सुने गए हैं, अंटेरिया में भी इनका होना आश्चर्य की बात नहीं है। ये पेड़ या बेले रक्त पिपासु होते हैं, लेकिन ऐसी बेलों के विषय में मुझे कोई जानकारी नहीं जो बेलों से मानव में बदल जाती हो। लेकिन अगर ये नरभक्षी बेले किसी इंसान से चिपक जाए तो क्या उनसे छूट पाना संभव है? नहीं, साधारण नमक उन पर छिड़क दिया जाए तो बेले तड़प कर शरीर छोड़ देती हैं। पाटेकर, क्यों ने इस बार अंटेरिया के जंगलों के इस रहस्य की खोज की जाए? क्यों इंदर, जोशी, पल्लवी, हमारा भी यही विचार है। आइडिया बुरा नहीं प्यारो, जंगलों में काले जादू के बारे में मैंने भी पढ़ा है, क्या पता कोई जादू दिख ही जाए। ओके फ्रेंड्स, हम अंटेरिया चलेंगे। हुर्रे। और फिर एक दिन अंटेरिया के भयानक जंगलों पर मंडराता एक हेलीकॉप्टर, जिसमें सवार पांचों दोस्त। नक्शे के अनुसार इस समय हमें अंटेरिया के जंगलों के ठीक ऊपर उड़ रहे हैं। कंचन, कहीं ऐसा तो नहीं कि यह सारी बकवास केवल मैगजीन की सेल बढ़ाने का स्टंट जैसी कोई कहानी हो और हम बेवकूफ बन रहे हो? सचमुच कहानी होगी तो हूं यह कहानी अधिक दिन तक जीवित नहीं रहेगी। अंदर ठीक कहता, नरभक्षी संगीत या ऐसे पेड़ पौधे जो इंसान भी बन जाते हैं, अगर इस जंगल में नहीं है तो हमारा सामना उनसे होगा, अवश्य होगा। नरभक्षी पेड़ पौधों व संगीत के विषय में और अधिक जानने के लिए नरभक्षी संगीत विषय पढ़े। तो दोस्तों, इसको भी मैं अगली बार पढ़ दूंगा। अभी ये सब छोड़ो कंचन, दिखा कोई ऐसा स्थान जिसे हेलीपैड बनाया जा सके। वही देख रहे हो पाटेकर, लेकिन जंगल इतना घना है कि कहीं पैराशूट से तो नहीं उतरना पड़ेगा? हेलीकॉप्टर को फिर तुम्हारे सिर पर उतार लेंगे। हा। अरे उफ, यह क्या, सब चौंक पड़े। क्या हुआ कंचन, तुम्हें यकीन नहीं आएगा, क्या हुआ है? नीचे जंगल में उल्टे मानव, मैंने उल्टे मानव देखे पाटेकर, सब के सब जंगली, सिर नीचे, टांगे ऊपर, हाथों के बल चलते हुए। क्या भक्ति होगा कंचन, दिमाग खराब हो गया तो इसका? फिर सबने बारी बारी से दूरबीन से नीचे देख डाला, मगर हमें तो कुछ नहीं दिखा। कंचन, तुम्हें अवश्य भ्रम हुआ है। पाटेकर, इधर उतर सकता है हेलीकॉप्टर? पाटेकर ने हेलीकॉप्टर सुरक्षित नीचे उतार दिया। वाह, खूबसूरत जगह है। खूबसूरती के साथ ही भयानक जंगल की मौत की बदसूरती को मत भूलो जोशी।
श्याम हो चुके, यही कैंप लगा दो। ठीक है, पर आज रात आराम करने के बाद कल ही अपनी खोज आरंभ करेंगे। ओके। फिर सब ने खाना खाया। कंचन, तुम शायद उल्टे मानवों के बारे में सोच रहे हो, भूल जाओ, ऐसे ऐसे मानव नहीं हो सकते। तुमने जंगल में पड़ी चट्टानों को उल्टा मानव समझ लिया होगा। वह देखो, एक हाथ पर खड़ा उल्टा मानव, सचमुच। हा। खाना खाने के बाद थके होने के कारण वे शीघ्र ही सो गए। आधी रात तक मुझे पहरा देना है। इंदर की आंखों के सामने कुछ घूम रहा था, नर बक्षी बेले जो इंसान भी बन जाती है। अचानक बुरी तरह से उछल पड़ा वह। अरे, मेरी गर्दन पर क्या चल रहा है, नर बक्षी बेल? देखते 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 बेल एक खौफनाक जंगली में बदल गई। नर बक्षी जंगली, उफ, बचाओ बचाओ पाटेकर जोशी, बचाओ! आह, मैं मर गया। इंदर, वो क्या हुआ? इंदर इंदर इंदर, होश में आओ, क्या हुआ? बचाओ बचाओ, हुन गई जान मेरी, क्या हुआ था? नर बक्षी बैल, जो देखते देखते नर बक्षी जंगली विच बदल गई, और मेरा गला, ये है वो बैल, वृक्ष की टहनी। नहीं, वो नर बक्षी बैल थी। इंदर, तुम्हें तो पहरे पर लगाया गया था और तुम मजे से सपने देखने लगे। जोशी, अब पहरे पर तुम बैठो। तो क्या मैं सचमुच सपना देख रहा था? शुक्र है रब दा, खाम खा सबकी नींद खराब कर दी। फिर आधी रात के वक्त 1 घंटे बाद मुझे पाटेकर को पहरे के लिए उठाना है। और इसी पल चौंक पड़ा जोशी। कौन है उधर? कोई जंगली जानवर तो नहीं? इधर तो कोई नहीं है, शायद कोई जंगली जानवर ही होगा, अब भाग गया लगता है। यह क्या, छिपछिपी, लीजी लीजी, गिलगिली सी, ये तो कोई जीव है, ये तो बुरी तरह से चिपक गई है। आह, वह पेड़ों के एक झुरमुट की तरफ बेहद तेजी के साथ खींचने लगा। आई, जोशी की चीख, वह खतरे में है। नर बक्षी बेल, जोशी कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा। इसी पल एक तेज चीख गूंजी। हो या, यह कैसी आवाज है? किसी जंगली के चीखने की लगती है। मेरे साथ आओ। सब सावधानी से आगे बढ़ते चले गए। एक आध पल भी चीखते हुए गिर पड़ी। आउच! इसी पल उसके मुंह से एक डरावनी चीख उबल पड़ी। जोशी जोशी, लाश नो, किसी ने इसका पूरा खून चूस लिया है। पल्लवी यह देख बुरी तरह से रो पड़ी। पल्लवी, होश में आ पल्लवी, होनी पर किसी का बस नहीं है। नहीं, जोशी नहीं मर सकता, कंचन नहीं मर सकता। वो लाश को वहीं गड्ढा खोदकर दफना दिया गया। कहीं जोशी की तरह ही हम सब भी एक एक करके। चुप रहो कंचन, पल्लवी पहले ही डरी हुई है। जोशी, आज तेरी कसम, हूं तो इस जंगल का रहस्य लेकर ही लौटूंगा। तब तक सुबह हो गई थी। ओ, सुबह हो चुकी है, अब हमें वापस कैंप लौटना चाहिए पाटेकर। यह सुनते ही सबके दिमाग को एक झटका सा लगा। कैंप कैंप, लेकिन हमारा कैंप कहाँ है? सबको सांप सूंघ गया। इस ओर तो किसी का ध्यान ही नहीं गया, न ही वह नदी कहीं दिखाई पड़ रही है। हमारा तो हेलीकॉप्टर और बाकी सामान भी वहीं पड़ा है। क्या सोच रहे हो पाटेकर, इधर बढ़ते हैं। अगर अगर कैंप न मिला तो इस भयानक जंगल में रात काटनी मुश्किल हो जाएगी। ओह, कहीं कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा पाटेकर। न जाने हम कैंप से और कितनी दूर होते चले जा रहे हैं, न जाने कब। हिम्मत रखो, हम कैंप ढूंढने में अवश्य कामयाब होंगे। इसी क्षण पल्लवी की चीख गूंज उठी। ओह, पल्लवी! पलटते हुए उछल पड़े। कंचन चीख पड़ी, पल्लवी! उफ, उल्टा मानो कंचन! ओह, उसकी मेंढक के समान जीभ पल्लवी से चिपकी चिपकी उसे खींच रही है। जिसके हाथ जोर लगा, लेकर वह पल्लवी की तरफ झपटा। शायद यही जोशी के तैरों में से एक है। पल्लवी उस तक न पहुंचने पाई। इंदर, मैं ऐसे दरिंदों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इंदर ने पत्थर उस उल्टे मानव पर दे मारा। बचाओ इंदर, पाटेकर, मुझे बचाओ, तड़ाक! पाटेकर ने लकड़ी का भरपूर वार उसकी जीभ पर किया। शटाक! ओह, पल्लवी जीभ से आजाद हो गई। पाटेकर, पिस्तौल निकाल, उड़ा दे से गोली से। उल्टा मानव हवा में उछला। फायर कर पाटेकर, चला गोली। गोली लगते हुए भयानक ढंग से चीखता हुआ नीचे आ गिरा। अब ये नहीं बचेगा, सुअर कमीना।
एक आंख बुरी तरह से कराते हुए उल्टे मानव ने अपना शरीर के खून को अंजलि में भर लिया और दूसरे पल उसने एक अजीब सी हरकत की। उफ, ओह, यह क्या? मर गया। लेकिन ये खून के छींटे इसने हम पर क्यों फेंके? कुछ समझ विच नहीं आया। हम तो नरभक्षी पेड़ पर ऐसे जाने आए थे, यह नई मुसीबत क्या गले पड़ गई? खून के छींटे फेंकने के पीछे क्या कारण हो सकता है? उफ, यह खून के छींटे तो साफ ही नहीं हो रहे। पाटेकर, कहीं इसने काले जादू का इस्तेमाल तो नहीं किया? क्या मतलब? इंदर, तुझे तो काला जादू ही सुझाई देता है। नहीं पल्लवी प्यारी, बात की तह तक जाओ। 6 कड़ियों की उस किताब में मैंने यूं ही शेर नहीं खपाया। काला जादू होता है, तुम बताओ इंदर। कोई डरेगा तो नहीं? नहीं। ईसोंदी खोपड़ी ने अपने खून के छींटे हम पर फेंके हैं, मतलब हम सब की मौतों का ऐलान कर दिया इसने। क्या बकते हो इंदर? पाटेकर जी, ये खून के छींटे तब तक साफ नहीं होंगे जब तक हम में से एक भी बंदा जिंदा है। नहीं, बकवास, मैं नहीं मानता। तुम अपना काला जादू अपने पास ही रखो बेवकूफ। पाटेकर, फिर क्या कारण है कि इसने खून के छींटे? कारण इधर था, उल्टे मानवों की बस्ती में। खून के छींटे केवल पाटेकर, इंदर, पल्लवी और कंचन पर ही नहीं गिरे थे, बल्कि कुलू देवता की मूर्ति पर गिरे खून को देखकर जंगली चीख उठा था। काला जंगली हिरण की तरह कुलाचे भरता सरदार के सिंहासन की तरह उनकी ओर लपका। कुलू कुलू, न जाने उसने क्या कहा कि सरदार सहित प्रत्येक जंगली देवता की मूर्ति के सामने इकट्ठा हो गया। कुलू कुलू, सरदार कंठ फाड़कर चिल्ला पड़ा। हो या तेज ध्वनि सुनकर चारों दोस्त ठिठक कर रुक गए। ये आवाज कैसी थी? पता नहीं, लेकिन लगता निकट ही कुछ जंगली मौजूद है। पाटेकर, यहाँ से लौट लौट चलो, इस जंगल में सिर्फ मौत मिलेगी। बेवकूफी भरी बातें मत करो पल्लवी, बिना हेलीकॉप्टर के हम इस जंगल से नहीं निकल सकते। पहले कैंप तक पहुंच जाए, फिर कुछ सोचेंगे। इसी पल चारों खूनर ठिठक कर रुक गए। इंदर, उल्टे मानो की बस्ती, खूनी नर पिशाच जंगली। उफ, खबरदार, आवाज न निकले। इन जंगलियों के पांव छोटे व टांगे अपेक्षाकृत पतली है, शायद इसलिए ये हाथों पर चलते हैं। खच, काले हिरण की बलि तंत्र मंत्र के लिए चढ़ाई जाती है, इसका मतलब उन्होंने कोई तांत्रिक अनुष्ठान किया है। सरदार ने काले हिरण के खून को अंजलि में भरा और हिडुम बाकुलू, एक चमत्कार हुआ। यह तो किसी उल्टे मानव की लाश है, लेकिन उफ, यह तो उड़ रही है, इसलिए तांत्रिक अनुष्ठान किया गया होगा। इसका मतलब इन्हें किसी तरह उसकी हत्या किए जाने का पता चल गया था, शायद उन खून के छींटों के कारण जो उस जंगली ने हम पर फेंके थे। और अब तो वे सुनील दत्त वाली नागिन पिक्चर की तरह उस मरे जंगली की आंखों में हम सब हत्यारों की तस्वीरें देखेगा। सरदार क्रोध से पागल हो उठा। मोजा की शाका कुलू लबच्चा, ये क्या कह रहा है पाटेकर? कुछ समझ में नहीं आ रहा। पल्ली रानी, ये कह रहा कि ये चारों मुर्गे इसी जंगल में है, इन्हें पकड़कर यहाँ लाओ, उन्हें रोस्ट करके कच्चा ही चबा जाएंगे। कई जंगली हथियार लेकर सरदार के सामने पहुंच गए हैं। क्यों, अब भी कुछ समझना बाकी है बेवकूफ? वे जंगल की तरफ फैल रहे हैं, शायद हमारी तलाश करेंगे। निकलो यहां से, वरना छुआ की तरह फंस जाएंगे हम यहाँ। भागो, लेकिन हमारा हेलीकॉप्टर, उफ, यो धुआई। अगर वक्त रहते मेरी निगाह इस पर न पड़ जाती तो शायद हम में से किसी की लाश यहाँ पड़ी होती। गोली की आवाज तो दूर दूर तक गूंजी होगी। हम इस जंगल से कभी निकल नहीं पाएंगे कंचन, कभी नहीं। बकवास बंद करो, जल्दी करो, भागो जितनी तेज हो सके इस जगह से दूर। नर पिशाच निकट ही है, वे हमें देखते ही मार डालेंगे। भागो भागो। नहीं, ओह पल्लवी, ओह नहीं। बाले हवा में सरसराए, आई। कंचन वैसे जड़ हो गया। इंदर पागलों के समान चीख उठी, चीख उठा, कुत्तों, पल्लवी को मार डाला तुमने, खून पी जाऊंगा मैं तुम्हारा। पाटेकर ने उसे वृक्ष के पीछे खींच लिया। पागल मत बनो इंदर, तुम उनसे मुकाबला नहीं कर सकते। छोड़ दे पाटेकर, छोड़ दे मुझे, एक एक को जान से मार डालूंगा।
उन्हें रोकने के लिए पाटेकर ने एक फायर और जोक मारा। एक आग कंचन चीख उठी, हेलीकॉप्टर, हमारा हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर और कैंप पर निगाहें पड़ते पाटेकर चिल्लाया, इंदर कैंप निकट है, वहां हमारे पास हथियार है, जल्दी कर वरना हमें से कोई नहीं बचेगा, नर पिशाच निकट आ रहे हैं, मैं एक एक कुत्ते की कब्र बनाकर ही जाऊंगा। तीनों चट्टानों व झाड़ियों के पीछे से रेंगते हुए कैंप की ओर लपके, एक बार कैंप तक पहुंच जाए, पाटेकर बचो, पलटते ही पाटेकर ने फायर कर दिया, धोए। यह वह क्षण था जब की सबकी आंख वैसे फट पड़ी, दिमाग में मौत की आंधी ऐसी चलने लगी, उल्टे मानो हम गिर गए इंदर, उफ, इतने सारे नर पिशाचों से हम नहीं निपट सकते, अंतिम समय आ गया हमारा। ठीक इसी पल, उफ, यह कैसा संगीत है, यह तो बिल्कुल वही वाद्य और संगीत है जैसा उस मैगजीन में देखा वह पढ़ा था, मेरा अंग अंग नाचता लग रहा इंदर, ओह मैं पागल हो जाऊंगी, मैं नाचना नहीं चाहता, मौत हमारे सामने खड़ी है, मगर उफ यह संगीत, मेरे कदम खुद ब खुद थिरक रहे हैं, नरभक्षी संगीत जिसकी खोज में हम यहाँ आए थे। तीनों संगीत की तान पर मद मस्त होकर नाचने लगे, नाचो नाचो, केवल वही नहीं उल्टे मानव भी मस्त होकर नाच रहे थे। अगर संगीत बजाते हैं जंगलों की निगाहें हम पर पड़ गई तो ये हमें खून पिए बिना नहीं छोड़ेंगे, इसका मतलब वाकई नरभक्षी संगीत का अस्तित्व है। फिर अचानक संगीत बंद हो गया, संगीत रुक गया, जल्दी करो कैंप की तरफ भागो, कंचन चल जल्दी कर, मौत सिर पर है। यह क्या, बेल उसके जिस्म से लिपट गई, नरभक्षी बेल, इंदर, नरभक्षी बेल, पाटेकर फंस गया इंदर, नमक की पुड़िया, आह, इंदर ने नमक की पुड़िया खोलकर बेल पर उछाल दी। पाटेकर तुरंत बेल से आजाद हो गया, ओह ये नरभक्षी बेल तो मेरा खून ही चूस जाती, पाटेकर जल्दी कर भाग। इसी पल तीन उल्टे मानवों का आक्रमण पाटेकर पर हुआ, ओह उफ आ ओ, पाटेकर ने बचने के लिए हाथ पांव मारे, उफ नहीं, पाटेकर लाश बनकर उनके हाथों में झूल गया, मैं इस जंगल में आग लगा दूंगा कंचन, पाटेकर मारा गया इंदर, ओ, इधर कंचन के साथ कैंप में समा गया इंदर, कंचन गन्ने निकाल लो जल्दी कर, नर पिशाच इस जगह को घेर रहे होंगे। तभी कैंप के चारों ओर शोर गूंज उठा, कुलू कुलू, लगता नर पिशाचों ने हमारे कैंप को घेर लिया है, पागल सा हुआ इंदर, गोलियां बरसाता कैंप से बाहर निकल आया, राम जादव नर बक्से कुत्तों, एक एक की लाश बिछा दूंगा इंदर, कंचन भाग, कंचन तू हेलीकॉप्टर चलाना जानती है, मैं इन्हें रोकता हूं, तू भाग जा, नहीं इंदर, हम एक साल लौटेंगे, मैं भी इनका मुकाबला कर सकती हूँ। इसी पल दो हाथ कंचन की गर्दन पर जम गए, इंदर, नरभक्षी बेल माना, उफ, घबरा मत कंचन, उस नरभक्षी बेल मानव को समाप्त कर इंदर पलटा, लगता आसपास के सारे जंगली मारे जा चुके हैं, अब हमें यहां से तुरंत चलना चाहिए इंदर। यह सुनते इंदर हिंसक स्वर में गुर्रा उठा, नहीं कंचन, मैं जोशी लाश पर कसम खाई थी कि इस जंगल का रहस्य लेकर ही रहूंगा, क्या मतलब, मतलब वो रहा सामने, इनमें से एक को मैं जीवित अपने साथ ले जाऊंगा, क्या पागल मत बनो इंदर, ये लोग खतरनाक है, इस टेन गन से ज्यादा नहीं कंचन, उफ वे निकट आ गए हैं, हो सकता है दूसरे उल्टे मानव भी आ रहे हो, यहां से निकल चलो इंदर, प्लीज, एक को साथ लेकर जाऊंगा कंचन। तभी एक उल्टे नर पिशाच ने भाला उनकी तरफ फेंकने के लिए पांवों को हरकत दी और ठीक इसी क्षण इंदर ने उस पर गोलियां बरसा दी, दूसरा जंगली हवा में उछला और निकल चलो इंदर, प्लीज, इनसे मत उलझो, मुझे मत रोको कंचन, कुलू कुलू, पेड़ के नीचे पहुंचकर इंदर गुर्रा उठा, उल्टे नर पिशाच कुत्ते, तुझे मेरे साथ चलना होगा, उतर नीचे वरना अंगारे भर दूंगा तेरे जिस्म में, मुझे आसपास निगाह रखनी चाहिए। इंदर ने उसके आसपास फायर झोंक मारे, उल्टा मानव छिपकली के समान चलता हुआ नीचे उतरने लगा, गन की भाषा ऐसी समझ में आ गई है शायद, कंचन यह डर गया लगता है, जल्दी कर, तू इसे कवर कर, मैं इसे रस्सी से बांध देता हूं, जल्दी करो इंदर, अगर और जंगली आ गए तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी।
इंद्र ने उस जंगली को नायलॉन रस्सी के साथ बांध दिया। इसी पल इंद्र भागो, इस बार जंगलियों की पूरी फौज आ रही है, हरी अप। ओह, वह जंगली को उठाकर हेलीकॉप्टर की तरफ लपका। हेलीकॉप्टर स्टार्ट करो कंचन, मैं आ रहा हूँ। कंचन ने आगे बढ़ते जंगलियों पर गोलियां बरसा दी। जल्दी जल्दी करो इंद्र। इंद्र लपक कर भीतर आ गया। हेलीकॉप्टर ऊपर उठाओ क्विक। कंचन ने लीवर दबा दिया। हेलीकॉप्टर तेजी के साथ ऊपर उठा, लेकिन फिर एक झटके के साथ वह ऊपर उठना बंद हो गया। इसे क्या हुआ पता नहीं। ठीक इसी पल इंद्र के मुंह से आश्चर्यजनक चीख निकल पड़ी। कंचन नरभक्षी बैल। नहीं, इससे पूर्व के इंद्र कोई एक्शन ले पाता, बैल उसकी गर्दन से लिपट गई। ओह नहीं इंद्र। इंद्र लाश में बदल गया। बैल कंचन की तरफ बढ़ी। अत्यारी बैल, मैं तेरे टुकड़े कर दूंगी। इस बार के प्रयास में हेलीकॉप्टर उन बैलों की पकड़ से आजाद हो गया। हेलीकॉप्टर बैलों की हद से बाहर आ गया। आदमखोरा, तुमने मेरे सभी साथियों को मार डाला, मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगी। क्रोध की अग्नि बरस पड़ी। ड्र हो, जंगलियों की लाशें बिछ गई। इसी पल एक जीभ सरसराई और उफ, यह क्या, उफ यह तो चिपक गई है। गोलियां खत्म। नर पिशाच कंचन को अपनी तरफ खींचने लगा। नहीं, हेलीकॉप्टर बुरी तरह अनियंत्रित होकर एक तरफ को झुकने लगा। नहीं कुत्ते कमीने, आदम को नर पिशाच। कंचन ने हाथों को एक जबरदस्त झटका दिया, परिणाम स्वरूप इस जीप को काटना होगा। ओ, हेलीकॉप्टर बुरी तरह अनियंत्रित होकर विशाल चट्टान की ओर बढ़ रहा था। नहीं, बाज की तरह वह हेलीकॉप्टर के कंट्रोल पैनल पर झपटी, लेकिन ठीक उसी पल एक भीषण विस्फोट से वह हेलीकॉप्टर को चट्टान से टकराने से न बचा सकी। बड़ाओं, हेलीकॉप्टर के साथी न जाने कितने टुकड़ों में वह स्वयं भी बिखर गई, और अभी न जाने कितने रहस्यों को घेरे अंटेरिया के उस भयावह जंगल में तेज हवा भूतों की तरह सनसना रही थी, मानो कुछ हुआ ही न हो। समाप्त। तो दोस्तों, कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है, और मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।